छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गांजा तस्करी कर रहे तीन तस्कर को सिहावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 2,25,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद हुआ है। वही तस्करी में इस्तेमाल बाइक और दो मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सिहावा पुलिस और साइबर सेल की टीम सांकरा फॉरेस्ट नाका में आने जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ले रहा था। उसी दौरान एक बाइक में सवार तीन लोगों को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से 11 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। 2024 को चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अजयन बैष्णव द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब, गांजा एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु वैधानिक कार्यवाही निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक सन्नी दुबे एवं थाना सिहावा पुलिस स्टाफ द्वारा सांकरा फॉरेस्ट नाका के पास चेकिंग किया गया, जिसमें तीन व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल में आते हुए जिन्हें रोक कर पूछताछ किया गया, जिनकी संदिग्धता पाई गई, जो टाल मटोल करते हैं, उनके तलाशी में उनके पास से एक सफ़ेद बोरी में प्लास्टिक में पैक पीले कलर के करीब 11 किलो मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिन्हें विधिवत कार्रवाई की गई।